नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। विरार का एक मामला सामने आ रहा है जहां एक युवक को बच्चा चोर समझकर पेड़ में बांधकर कुछ लोगों ने पिटाई की, पर वो युवक निकला महिला का पीछे करने वाला मजनू। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला विरार के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से। उनके दो बच्चे है, जो लेडीज थे, शायद उसको उठाने आया, ऐसा उन्होंने गैर समझ करके उसको लोगों ने बांध के रखा था। हम तुरंत विजिट किया है, उसका जानकारी पूरा उसका इंटरोगेशन किया। बाद में मालूम पड़ा कि वो लेडीज के चक्कर में उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। वो हिसाब से हमने इंडियन पिनल कोड 354 के मुताबिक उसके खिलाफ FIR दर्ज किया है। वो लड़का चोरी करने वाला या कोई टोली में लड़का चोरी करने की टोली में से तो कोई सदस्य नहीं है। ये साथ सच में वो लेडीज के पीछे पीछे आता था, लेकिन लोगों को लगा कि कोई टोली सक्रिय हो गई है लड़का उठाने वाली या लड़का चोरी करने, ऐसा अपने मानिकपुर क्या पूरा वसई विरार के एरिया में भी किधर भी ऐसा घटना घड़ी नहीं है। भविष्य में ऐसा कुछ मालूम होता है, हम सब पुलिस सक्रिय है उसके अंदर। अगर कोई हमें मालूम पड़ता है तो हम तुरंत उसमें केस दर्ज करेंगे, उनको पकड़ेंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी अमरावती और सांगली के एरिया में ऐसा लड़के चोरी करने टोली सक्रिय हुआ करके लोगों ने बांध के लोगों मारा है। वो तो अपना इधर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये खाली रूमर्स है। और मैं पूरा वसई के जो नागरिक है या जो पेरेंट्स है जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में कॉलेज में, तो मैं इनके आह्वान करूंगा लोगों को कि ऐसा अपना एरिया में किधर हुआ नहीं है। और जो रूमर्स फैली हुई है उसके ऊपर किसी ने भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसा आपने देखा, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने बताया कि वो कोई बच्चा चोरी करने वाले गैंग का सदस्य नहीं था, बल्कि महिला के चक्कर में पीछा करने वाला था, इसलिए उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज मुंबई।